भाई पीएसएल तो बुलेट ट्रेन से भी तेजी से जा रहा है। 19वें मैच के बाद थोड़ी सी आग लगी थी और 27 मैच हो चुके हैं, आज 27वां मैच है, 26 मैच हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद यावे यासिन, वेलकम बैक टू क्रिकेट सीन्स। और आज पिछले सारे मैचेस की बात करते हैं। मुझे लगा था पीएसएल जो है ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, 30 मैचेस तक अब पता है कौन सी 4 टीमों ने क्वालिफाई करना है और कौन सी 2 टीमों ने क्वालिफाई नहीं करना। लेकिन पीएसएल इज बीइंग सो अनप्रिडिक्टेबल। शुरू शुरू में मुल्तान सुल्तान थी हवाओं में, टॉप पे कोई पकड़ नहीं रहा था, और अब मुल्तान सुल्तान को अपने क्वालिफाई करने के लाले पड़े हुए हैं। 20वां मैच मुल्तान लाहौर से हारी, उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारी 21वां मैच, 22वां मैच कराची किंग्स को कोयटा ग्लैडिएटर ने हरा दिया, 23वां मैच पिशावर जलमे और लाहौर कलंदर का, और लाहौर कलंदर पिशावर जलमे से हार गए। नहीं, पिशावर जलमे ने नहीं हराया, मतलब जो टीम 200 मार के 90 पे आउट कर लेती है वो अगर हार जाए तो मतलब उसने खुद ही जिताया है। फिर जो 25वां और 26वां मैच हुआ है, 26वां मैच तो पॉइंट टेबल पे कोई इतना खास फर्क नहीं डालेगा लाहौर वर्सेज इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन जो खास फर्क टेबल पे डालेगा वो था कोयटा वर्सेज पिशावर जलमे का मैच। और क्या शानदार मैच किया दोनों टीमों ने, एक ने 240 स्कोर मारा, 241 का टारगेट दे दिया, और दूसरी टीम ने पूरे पीएसएल का हाईएस्ट स्कोर मार दिया। 2 ओवर्स पहले 18 ओवर में जेसन रॉय ने और कोयटा ग्लैडिएटर ने कहा ऐ प्याजे स्कोर पूरा। अबर आजम पूरी फॉर्म में वापस आ गया, उसके साथ साय मयूब खेल रहा है, हारिस को उन्होंने नीचे कर दिया, साय मयूब और बाबर ओपनिंग करते हैं, और पूरी पीएसएल में सिर्फ 2 ही ओपनिंग पेयर पसंद है मुझे, एक जेसन रॉय और मार्टिन गुप्टिल कोयटा का ओपनिंग पेयर, और एक बाबर आजम और साय मयूब पिशावर का ओपनिंग पेयर। यार दोनों ही ओपनिंग पेयर लेवल है, जिस दिन दोनों ओपनिंग पेयर चल रहे हैं मतलब 200 स्कोर पक्का है। और वही हुआ, पिशावर जलमी ने 200 स्कोर मारा है और कोयटा ग्लैडिएटर ने उसको चेज कर लिया 18 ओवर में, मतलब भाई मजाक हो रहा है। लास्ट मैच था लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लाहौर कलंदर ने कोई थोड़ा सा स्कोर मारा 226 और उनको 107 पे ऑल आउट कर दिया। लाहौर जो है कोई अलहदे ही हवाओं में जा रही है, मतलब वो कह रही है कि मुल्तान के साथ फाइनल करवा लो या इस्लामाबाद के साथ करा लो या पिशावर के साथ करा लो या कोयटा आ जाए या जो मर्जी आ जाए, इस दफा दोबारा चैंपियंस हम ही बनेंगे। ये तो थी अभी तक की सूरत हाल, बात कर लेते हैं आज के मैच की। तो आज का मैच एक डिसाइडर मैच है क्योंकि पिशावर जलमी और मुल्तान सुल्तान दोनों को अपने क्वालिफाई करने के लाले पड़े हुए हैं, दोनों 8 पॉइंट्स पे। अगर दोनों में से जो भी टीम अपने अगले दोनों मैच हार जाए और कोयटा अपना मैच जीत जाए और उसकी रन रेट उस टीम से बेहतर हो तो कोयटा क्वालिफाई कर जाएगी और टीमें बाहर हो जाएंगी। तो इन दोनों के लिए आज का मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट ताकि वो अपने क्वालिफाई सिक्योर कर सके। अब इन दोनों में से कौन सी टीम मैच जीतेगी देखते हैं प्रिडिक्शन टाइम में। सो इट्स प्रिडिक्शन टाइम। और तो मैंने शुरू में कहा था कि मुल्तान का लाहौर के अलावा जिसके साथ भी मैच है मैं मुल्तान की तरफ हूं, लेकिन अब थोड़े हालात बदल गए हैं, प्रेडिक्शन भी थोड़ी बदल लेनी चाहिए। तो मुल्तान और पिशावर जलमी में से मुझे लगता है कि पिशावर जलमी ये मैच जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका ओपनिंग पेयर बहुत स्ट्रांग है, उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा मसला है लेकिन उनकी बॉलिंग भी रिकवर कर लेती है, उतना नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा, अगर मतलब बहुत ज्यादा स्कोर टारगेट दे दें, बैटिंग पहले करें और बहुत ज्यादा टारगेट दे दें तो ये मैच जीत सकते हैं। क्योंकि हर कोई कोयटा ग्लैडिएटर की तरह उनको 248 तो नहीं ना मारने लगी 18 ओवर में। थोड़ा पॉइंट्स टेबल के हालात देख लेते हैं कि कौन सी टीम क्या करे तो कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। स्टैंडिंग्स देखते हैं और स्टैंडिंग में छाई बड़ी है लाहौर कलंदर 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पे, उसके नीचे इस्लामाबाद यूनाइटेड है 12 पॉइंट्स के साथ, अगर वो पिछला मैच जीत जाती तो ऑपोजिट होता, इस्लामाबाद ऊपर चल जाती क्योंकि दोनों बराबर थे। उसके नीचे है मुल्तान सुल्तान और पिशावर जलमी दोनों 8 पॉइंट्स के साथ, और दोनों में से रन रेट ज्यादा मुल्तान सुल्तान की, तो तीसरे नंबर पे मुल्तान सुल्तान, चौथे पे पिशावर जलमी, और नीचे जो क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रही है वो है कोयटा ग्लैडिएटर 6 पॉइंट्स के साथ। अब कोयटा ग्लैडिएटर जो है 6 पॉइंट्स के साथ है, और एक जो है अगर मैच वो जीत जाए और 8 पॉइंट हो जाए, और उनके दो दो मैच पड़े हैं मुल्तान और पिशावर के, और वो दोनों उनमें से एक अपने दोनों मैच हार जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो क्वालिफाई कर लेगी। अगर आप प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी, लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड तो क्वालिफाई कर चुकी, उनको तो कोई ला नहीं सकता, मुल्तान जलमी और कोयटा ग्लैडिएटर में से एक तो जलमी क्वालिफाई कर जाएगी, दूसरी मुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर में से आई होप सो मुल्तान क्वालिफाई करे, क्योंकि अगर कोयटा ग्लैडिएटर क्वालिफाई कर गई तो उन्होंने फाइनल जीतना है, उससे नीचे नहीं उन्होंने रुकना है जिस फॉर्म में वो आ गई है। सो देखते हैं क्या सीन बनता है, पिशावर बाहर निकलती है मुल्तान या फिर कोयटा ग्लैडिएटर, अगले 4 मैचेस में पता चल जाएगा। थोड़े बॉलर्स की तरफ देख लें तो भाई राशिद खान
राशिद खान बहुत लेवल विकेट ले रहा है, मुल्तान से एहसानुल्ला अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नसीम शाह के साथ थोड़ा डाउन सीन चल रहा है क्योंकि उसकी बॉल उधर पड़ नहीं रही, उसको विकेटें मिल नहीं रही, लेकिन वो भी बाउंस बैक करेगा, अगर वो फाइनल में आ गए तो बहुत लेवल बाउंस बैक करेगा। सो अब तक के लिए इतना ही, देखें आज का मैच, करें अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए रब रखा।